कौन बोला कि सांप है इसके अंदर? डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या बोला? सांप है पेट के अंदर। पेट के अंदर पेट के अंदर क्या है? पेट के अंदर मुझे सांप है। सांप है तो क्या खाती है? दूध खाली पीते है बस। दूध खाली। अच्छा सांप कैसे घुस गया? अब ये तो नहीं पता। ये अल्ट्रासाउंड में कुछ गांठ टाइप का बना है और इन लोगों का कहना है कि यही जो गांठ है ये सांप है। सांप है। किसने बोला सांप है? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने सांप जाते हुए देखा अपने पेट के अंदर? नहीं। राजकुमार पासवान के 8 साल के बिटिया के पेट में इन लोगों का कहना है कि सांप है। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट दिया है और इसके बाद ये बच्ची तब से पीड़ित है, इसके पेट में सूजन आ गई है और इन तमाम लोगों का कहना है कि इसके पेट में सांप है। पता नहीं किस तरीके का सांप है, क्या है, लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, या फेफड़े में समस्या है, या गुर्दा में समस्या, कुछ समझ में नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बिटिया के अंदर सांप है और इसका कोई इलाज नहीं, अगर इलाज होगा तो ये बिटिया मर जाएगी। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, शरीर फूल गया है, पेट में सूजन हो गई है, सर पर से बाल जो है झड़ने लग गए हैं, मुंह में इसके ओठों पर, गाल पर, आंख के पास सब जगह सूजन है, लेकिन इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। बस इन लोगों को इतना पता है कि पेट के अंदर दो गो सांप टहल रहा है। इसके पेट में क्या हुआ है बताइए? बताइए सांप। अरे ये बोलिए, बोलिए क्या हुआ है? सांप बता रहे हैं। क्या हुआ इसके पेट में है? क्या हुआ है? लीवर का प्रॉब्लम है। कौन बोला कि सांप है इसके अंदर? डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या बोला? सांप है पेट के अंदर। पेट के अंदर। अच्छा सांप कैसे घुस गया? अब ये तो नहीं पता है, ये हम कैसे? अच्छा डॉक्टर, कौन से डॉक्टर ने कहा सांप है? बामे रिपोर्ट में सब है। इन लोगों ने एक्सरे कराया है, रिपोर्ट लेकर आए हुए है और इसमें थोड़ा सा एक्सरे के अंदर गांठ टाइप का कुछ बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अल्ट्रासाउंड है ना, ये अल्ट्रासाउंड में कुछ गांठ टाइप का बना है और इन लोगों का कहना है कि यही जो गांठ है इस सांप है। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि लीवर के अंदर कोई समस्या है जिसके अंदर ये सूजन आ गई है। कब आपको पता चला कि इसके अंदर सांप है? कब पता चला? यही अल्ट्रासाउंड कराया था। आप कौन से महीना में, कितना महीना हो गया? दो तीन महीना हो गया। कहां पर दिखाने गई थी? हाजीपुर में। अच्छा ये बताइए इसके शरीर में सूजन कब से आ रही है? जब से दवाई चलवाई तब से। जब से दवाई चलवा रही है तब से सूजन है। इंजेक्शन वगैरह भी लगा था क्या इसको? सब कुछ लगा है। अच्छा ये जो है खाती पीती है कुछ या नहीं? नहीं खाती। तो क्या खाती है? दूध खाली पीते है बस। दूध खाली। पेट में सूजन कब से आ रही है? दवाई खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं तो सूजन हो जाता है। दवाई नहीं खिलाते तो सूजन हो जाता है। इसका कोई इलाज है? ऑपरेशन वगैरह हो सकता है इसका? सांप है तो निकलेगा कैसे? अपने से करवे तब ना निकलता है, कुछ इंतजाम करवे तो निकलता है। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करवाने के लिए? बोला है ऑपरेशन कराने के लिए। कितना रुपया बताया खर्चा? बोला जी लग जाएगा 50-60 हज़ार रुपया। बस 50-60 हज़ार? सच में बोला या आप लोग अपने मन से बता रही? सही सही बताइए। नहीं अल्ट्रासाउंड कराया तो बोला, तो यही पर हम लोग बोले करा जी सांप है। मैं किसने बोला सांप है? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने। पता नहीं इस बच्चे के अंदर सांप है या नहीं, मुझे नहीं पता। बस ये लोग को बता दिया गया कि सांप है तो लोग मान रहे हैं कि सांप है और इस बच्ची को लेकर हरदम बैठे रहते हैं। पता नहीं सांप की जगह लीवर में सूजन है या फेफड़े में या किडनी में, किसी को कुछ नहीं पता है। बस ये लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो बता दिया उसी को मान रहे हैं, उसी पे उसी की लकीर के ऊपर ये चल रहे हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाते, अच्छे जो है अस्पताल में जाते तो शायद से इस बच्ची का अच्छा इलाज होता। ना तो इनके पास शिक्षा है, ना संसाधन है और जो कुछ भी है भी उसी के भरोसे ये लोग जी रहे हैं कि सांप है तो सांप है तो सांप है। सांप जाते हुए देखा आपने पेट के अंदर? नहीं। पेट के अंदर जाते हुए देखा? नहीं, अल्ट्रासाउंड में दिखा है। बाबू क्या क्या दिक्कत होता है तुमको बता दो। पेट का खाली दिक्कत है। पेट की दिक्कत है? और पेट के अंदर क्या है? पेट के अंदर मुझे सांप है। सांप है? काटता उठता भी है क्या? काटता है? कोकनी। कैसे दर्द होता है कुछ याद है? कैसे होता है दर्द? मतलब ऐसे नोचता है या दर्द होता है क्या? कैसे? सुई के नियर भोंकता है। सुई के नियर भोंकता है दर्द
करे लगता है। ये सोचने का विषय है कि यार पेट के अंदर कैसे साफ हो जाएगा। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि लोगों को बस पढ़ा दिया गया, उसी को ये लोग पढ़े हुए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पेट के अंदर कुछ गांठ हो गया है। पेट के अंदर सांप जा सकता है क्या? नहीं, पेट के अंदर सांप जा सकता है क्या? दिन भर दूध के ही सहारे रह रही है। कितने साल की है? 8 साल की है। 8 साल की। अच्छा ये बताइए जो है इसका कोई इलाज किसी ने बताया कि कोई इलाज है इसका? नहीं, इलाज का तो नहीं बताया। कहाँ कहाँ दिखाई है? हाजीपुर दिखाए, पटना दिखवाए, महनार दिखवाए, पटोरी दिखवाए, अपन जहाँ। तो सब ने क्या बताया? यही बोला। क्या कोई बोला? जो फेफड़ा खत्म, किडनी खत्म है, कोई बोला फेफड़ा खत्म है, कोई बोला जो सांप है, कोई बोला किडनी खत्म, कोई बोला फेफड़ा, कोई बोला सांप, लीवर खत्म है। हाँ, आपको लगता है कि इसके अंदर सांप है? हम बोला हम तो नहीं कहते हैं सांप है। आपको लगता है कि इसके अंदर सांप है? क्या बोल रही हो? ले जाइए इसको। बस इनके पास जानकारी का अभाव है, जो चीज इनको बता दिया गया वही चीज ये लोग जानते हैं। आप रुकिएगा, बस ये गरीब है इतना समझिए, और इनके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर 5-10 किलोमीटर के तमाम लोग जो है, 10 सैकड़ों लोग रोज यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता चलिए हम पटना के PMCH में आपका इलाज करवा दे। यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद तक ये बात पहुंची होगी, लेकिन कोई नहीं कहता कि चलिए हम आपका इलाज PMCH में करवा दे। बस इनके पास जानकारी का अभाव है, इसलिए ये ना PMCH जा पा रहे हैं, ना एम्स जा पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, ना IGMS जा पा रहे हैं। शायद से इनके पास जानकारी होती, ये पढ़े लिखे होते और इनको कोई बताने वाला होता, कोई जागरूक मुखिया या जागरूक इंसान या जागरूक नेता, विधायक, मंत्री होता, तो इनको PMCH ले जाकर दिखाता, तो हो सकता है इस 8 साल की बच्ची का जान बच जाता। बस इन लोगों को लगता कि सांप है, सांप है, सांप है, सारा सांप पता नहीं कैसे घुस गया पेट के अंदर। कोई नेता होता आया? नहीं, कोई नहीं आया। हा? कोई नहीं आया। तो जो है अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, जो अपने के कहेंगे सो करेंगे। हा? कितना लोग आता है दिन भर में देखने? बहुत लोग आते हैं सर। मदद करता है कोई? कोई 10 दे जाता है, कोई 5 दे जाता है, तो उससे कोई मदद होता है? कोई 10 देता है, कोई 5 देता है। हाँ। कोई पैसा ऐसा नहीं देता? नहीं। अच्छा ये बताइए इसका इलाज कैसे, मतलब अब आपके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये नहीं पता कि एक्चुअल चीज हुई क्या है, कितना पैसा चाहिए, तमाम चीजें कैसे पता कीजिएगा आप? ये तो आपके द्वारा पता लगेंगी सर, हम क्या बताएंगे, बताओ। इन्होंने दिखाया बाप है, ये क्या करें, इनको इनके पास जानकारी नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, बस इनको इतना लगता है कि बिटिया के पेट में सांप है, बस इतना कहेंगे। कौन सा जगह है ये? ये आजमपुर है। आजमपुर। प्रॉपर एड्रेस बताइए। आजमपुर वैशाली। आजमपुर वैशाली चौक के पास, आजम रोहनी चौक आजमपुर वैशाली जिला है, हाजीपुर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, समस्तीपुर वाले रोड पे। यहाँ पर इनका घर है, कोई भी मदद करने के लिए इनके पास आ सकता है। शायद से अगर आप मदद करेंगे तो इस बच्ची की हो सकती है जान बच जाए, नहीं तो ये बच्ची ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं, क्योंकि इसके शरीर में सूजन आ गया है। खाना वाना नहीं खाती है? नहीं, खाना आना नहीं खाती है, खाली तनी मनी दूध पीता है। कितना रुपया लगा दिया इलाज में? बहुत रुपया लगा दिया। खेत उत भी बेचे हो? जो कुछ हुआ सब कुछ हम किए हैं। कुछ लोग कह रहे थे खेत भी बेच दिए हो? खेत मालिक जहाँ कहाँ है, खेत हो तो खेत बेच देते है, जो जितना मेहनत करते, मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी के सर पास जितना होता है उतना तो करबे करता है अपना चलती में। चलिए इनका इलाज हो, मैं देखने वाले तमाम लोगों से अपील करूंगा, आप लोग इस यहाँ पर आइए और इनकी मदद करने का प्रयास कीजिए। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।